जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कल रात भर पाकिस्तान रेंजर्स ने किया सीज फायर का उल्लंघन, लेकिन बीएसएफ ने दिया जबरदस्त जवाब। एचएल और सैफरन के बीच कमर्शियल इंजन के लिए साइन हुआ एमओयू। मालदीव के नए प्रेसिडेंट ने मालदीव से इंडियन ट्रूप्स को हटाने की कही बात। हमास के जैसे सरप्राइज अटैक को भारत में अवॉइड करने के लिए बॉर्डर्स पर भारत स्थापित कर रहा है एक खास तरह के सर्विलियंस सिस्टम। और अजरबैजान के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बीच आर्मेनिया की डिटेरेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए भारत भेज सकता है कुछ और मिलिट्री सप्लाईज। कल 26 अक्टूबर की शाम को करीब 8 बजे जम्मू के आर्निया सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से अनप्रोवोक फायरिंग की गई। और फिर इसके रिस्पांस में बीएसएफ ट्रूप्स ने तुरंत ही जवाबी फायर किया और फिर इसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने हमारे निकटवर्ती सीमा चौकियों को निशाना बनाने के लिए अपनी गोलीबारी को और बढ़ा दिया। और फिर इसके बाद बीएसएफ ट्रूप्स ने भी इन क्षेत्र पर मौजूद अपनी फॉरवर्ड डिफेंस पोस्ट से एक उचित और जबरदस्त तरीके से जवाबी कार्रवाई करी। और फिर करीब 9:15 पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने मोटार्स फायर करके बॉर्डर आउटपोस्ट और सिविलियन एरियाज को टारगेट करना स्टार्ट किया। और पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा फायर किए गए कुछ शेल्स आर्निया टाउन में जाके लैंड हुए, जिससे वहां एक सिविलियन श्रीमती रजनी देवी को माइनर सी इंजरीज आईं। और फिर इसके बाद 10:40 पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने हमारे पोस्ट को टारगेट करने के लिए हैवी मशीन गन फायर शुरू किया और फिर भारत के ट्रूप्स ने भी तुरंत ही एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करी। और पाकिस्तानी रेंजर्स ने शाम के 8 से लेकर सुबह के 2:45 तक समय समय पर लगातार फायर करना जारी रखा, लेकिन बीएसएफ ने भी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया और उचित जवाबी कार्रवाई के साथ साथ सीमा क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया। और पाकिस्तान द्वारा की गई इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में बीएसएफ के कांस्टेबल बसवराज को माइनर सी इंजरीज आई हैं, जिन्हें तुरंत ही उपचार के लिए पीएससी आर्निया में ले जाया गया और फिर बाद में उन्हें जम्मू के जीएमसीएच में एडमिट किया गया और उनकी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें हमारी तरफ किसी की भी जान नहीं गई है, लेकिन बॉर्डर के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों की प्रॉपर्टीज को नुकसान जरूर पहुंचा है। और जबकि स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा फायर किए गए मोटार शेल्स को रिकवर भी किया है। और पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से 82 mm और 120 mm तक के मोटार्स फायर किए गए थे। और अब इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, बीएसएफ ने जो जवाबी फायर किया है तो वो इतना जबरदस्त था कि एक दो दिन में आपको कुछ रिपोर्ट्स और देखने को मिल सकती हैं। कॉमर्शियल इंजन के लिए रिंग फोर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को विकसित करने के लिए एचएएल और फ्रेंच फर्म सैफरन ने एक एमओयू साइन किया है। और इस एमओयू के हिस्से के तौर पर जो एचएएल है वो अपनी फाउंड्री एंड फोर्ज फैसिलिटी में लीप इंजन फोर्जिंग्स को प्रोड्यूस करेगी। और आपको ये भी बता दें कि जो ये लीप इंजन है ये एयरबस के A320 न्यू फैमिली और बोइंग 737 मैक्स को पावर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें लीप की फुल फॉर्म है लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सन और एचएएल इस इंजन के रिंग फोर्जिंग को मैन्युफैक्चर करेगी। बाकी इसके अलावा 27 अक्टूबर को ठाणे में सूर्यदेव प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में इंडियन नेवी के लिए तीसरे एम्यूनेशन कम टॉपेडो कम मिसाइल बार्ज को लॉन्च कर दिया गया है। और इसको बनाने के लिए सभी प्रमुख और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट और सिस्टम्स स्वदेशी मैन्युफैक्चरर से ही सोर्स किए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये सूर्यदेव प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है तो ये एक एमएसएमई है जिसको नेवी के लिए इस तरह की टोटल 11 बार्ज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और उन 11 में से तीसरी बार्ज जो कि आज लॉन्च की गई है, और जबकि पहली दो बार्ज ये एमएसएमई ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये इंडियन नेवी की ऑपरेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी, क्योंकि इनकी मदद से नेवी की वॉरशिप्स के लिए जरूरी सप्लाईज जैसे कि मिसाइल्स टॉर्पेडोज एम्यूनिशंस तो इन सभी को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले मोहम्मद मुइजो के मालदीव्स के प्रेसिडेंट इलेक्शंस को जीतने के साथ ही इस बात की चिंता बढ़ गई थी कि मोहम्मद मुइजो के मालदीव्स का नया प्रेसिडेंट बनने के साथ ही मालदीव्स में एंटी इंडिया कैंपेन के बढ़ने की संभावना भी है, क्योंकि जो मोहम्मद मुइजो हैं उनको लेकर कहा जाता है कि चीन का उन पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और इसलिए उनके प्रेसिडेंट बनने का मतलब है मालदीव्स में चाइना के प्रभाव का बढ़ना। और उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों के दौरान मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की कसम भी खाई है और जिसे उन्होंने एक ट्रू फ्रीडम हासिल करना बताया। तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजो ने अपनी इसी बात को फिर से दोहराते हुए कहा है कि मालदीव पूरी तरह से स्वतंत्र होने का इरादा रखता है और इसलिए वो यहाँ पे तैनात भारतीय सैनिकों को यहाँ से चले जाने के लिए कहेगा। और ये बात उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी के साथ एक खास इंटरव्यू में कही है। और उनका यह भी कहना था कि केवल भारत ही नहीं बल्कि किसी और कंट्री के ट्रूप्स भी यहाँ पे होते तब भी उनका रिएक्शन सेम रहता। और मोहम्मद मुइजो का कहना है कि मालदीव से भारत के मिलिट्री प्रेजेंस को हटाने के लिए उन्होंने भारत सरकार के साथ निगोशिएशंस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं और उन्होंने इन बातचीत को सफल बताया है। उनका यह कहना है कि हम बायलेटरल रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। और उनका यह भी कहना था कि हम इंडियन ट्रूप्स को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वे उनके बदले यहाँ पे चीन या फिर किसी और कंट्री के ट्रूप्स को लाएंगे। बाकी आपको बता दें कि वर्तमान समय में करीब 70 इंडियन मिलिट्री पर्सनल भारत द्वारा स्पॉन्सर्ड रडार स्टेशन और सर्विलियंस एयरक्राफ्ट को यहाँ पे मेंटेन करते हैं
और भारत की जो वॉरशिप्स हैं वो मालदीव्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोल करने में भी मदद करती है। और मालदीव इंडियन ओशन रीजन की एक ऐसी जगह है जो कि भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके इंडियन ओशन रीजन में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए। और इसलिए चीन नहीं चाहता कि भारत का मालदीव पर कोई प्रभाव रहे, तो इसी वजह से चीन शुरू से ही मालदीव की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करता आया है। और जो ये मोहम्मद मुइजू हैं उनका एक बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है चीन के साथ कनेक्शन वाला, तो इसलिए उनका जो ये कहना है कि भारत का कोई भी देश होगा तो वे उनके ट्रूप्स को अपने वहाँ नहीं रहने देंगे। लेकिन जहाँ तक ये सारे कहने की बातें, क्योंकि रियलिटी में कुछ और ही होने वाला है। और चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली डॉक्ट्रिन है उसको काउंटर करने के लिए भी मालदीव भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा रणनीतिक महत्व रखता है। और इसको खोने का मतलब है इंडियन ओशन के साउथ में चाइनीज वेसल्स के लिए दरवाजे खोलना। और इसलिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि मालदीव में जो चीन का प्रभाव है वो ज़्यादा ना पड़े। बाकी अगर आपको मालदीव, भारत और चीन के इस पूरे मामले को एक साथ समझना है तो उसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट defenseexpert.com पर एक बहुत ही खास आर्टिकल पब्लिश किया गया है, जिसे आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। और उसके माध्यम से आपको एक सटीक जानकारी मिल जाएगी कि आखिर मालदीव भारत के लिए कितना ज़रूरी है। और आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर इस तरह के टॉपिक्स पर आप डिटेल एनालिसिस भी चाहते हैं तो उसके लिए आप डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक भारत आर्मेनिया के लिए एडिशनल मिलिट्री सप्लाईज को भेजने पर विचार कर रहा है, जो कि आर्मेनिया की डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करेंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ये विचार एक ऐसे समय पर चल रहा है जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन जो अजरबैजान है उसे पाकिस्तान और टर्की का समर्थन है। तो इसलिए इस सिचुएशन के बीच आर्मेनिया की डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के उद्देश्य के साथ भारत एडिशनल मिलिट्री सप्लाईज भेज सकता है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी कहा गया कि इसी मैटर पर डिस्कशन करने के लिए एक हाई रैंकिंग आर्मेनियन ऑफिशियल ने हाल ही में भारत को विजिट भी किया था। हालांकि इस मामले की जो अधिकतर जानकारी है उसका खुलासा नहीं किया गया है। और बाकी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत ऑलरेडी आर्मेनिया को पहले भी मिलिट्री सप्लाईज दे चुका है, जिनमें पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और एम्यूनिशंस शामिल हैं। और जबकि आर्मेनिया ने भारत से स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को भी लिया है। और अब जो एडिशनल मिलिट्री सप्लाईज को भेजने पर विचार चल रहा है तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट रहेंगे तो इसके बारे में भी कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि जिस तरह का हमला हमास ने इसराइल पर किया था तो उस तरह के हमलों को भारत ने अवॉइड करने के लिए अब बॉर्डर एरियाज पर ड्रोन्स के साथ खास तरह के सर्विलियंस सिस्टम्स को स्थापित किया जा रहा है। और पिछले सप्ताह इस तरह की सर्विलियंस और रिकॉनसेंस ड्रोन्स के लिए भारत के डिफेंस ऑफिशियल्स ने 6 होम ग्रोन वेंडर्स के साथ मीटिंग भी कंडक्ट करी है। और इन सिस्टम्स के लिए अगले महीने तक ऑर्डर्स प्लेस किए जाने की उम्मीद है। और लगभग 18 महीने तक का समय लगेगा इन सिस्टम्स से हमारे बॉर्डर एरियाज को पूरी तरह से कवर करने में। और इसमें एनुअली $500 मिलियन तक की कॉस्ट आने वाली है। और इन सिस्टम्स के लिए हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स यानी कि एक तरह के सोलर पावर ड्रोन्स जो बहुत लंबे समय तक लगातार ऑपरेट कर सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इस पूरी योजना में जो सिस्टम्स इस्तेमाल होंगे वो स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए होंगे। तो जैसे कि कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन शिकंजा के तहत भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 5 ओवरों को सफलतापूर्वक होरीफाइट किया था, तो आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इसी ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए 28 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल गिरीश कालिया की तरफ से बताया गया कि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने और सुरक्षा के माहौल को खराब करने के लिए LOC के पार से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आप सभी LOC के पार से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिशों के गवाह रहे हैं। पिछले 8 महीनों में हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले क्षेत्रों में घुसपैठ के 10 ऐसे प्रयास हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप 27 आतंकियों का सफाया हुआ है और बड़ी मात्रा में वॉर लाइक स्टोर्स भी रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा आर्मी ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं जो कि पाकिस्तान में डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच एक गहरी सांठगांठ को स्थापित करता है। और कल का ऑपरेशन एक तरह से हमारे इन्फेंट्रीमैन के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है जो कि घाटी में शांति को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं। और सुरक्षा बल आज पूरे तालमेल से काम कर रहे हैं। हम दृढ़ संकल्प और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति को बाधित करने के दुश्मन के किसी भी प्रयास को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट है इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से, जिसमें इसराइल की डिफेंस फोर्सेज की तरफ से कहा गया है कि कल रात को उनके एरियल स्ट्राइक में हमास के वेस्टर्न खान यूनिस बटालियन का कमांडर मारा गया है। और कल रात को भी इसराइली ट्रूप्स ने गाजा के अंदर टारगेटेड स्ट्राइक्स कंडक्ट करी थी। और वेस्ट बैंक में इसराइली ट्रूप्स की रेड में हमास ग्रुप के 17 मेंबर्स और फिलिस्तीन के 19 और वांटेड्स को गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच पेंटागन ऑफिशियल्स की तरफ से भी कहा गया कि इसराइल हमास के युद्ध के बीच लगभग 900 अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है या उन्हें तैनात किया जा रहा है। और बाकी आपको बता दें कि कल गुरुवार को वॉशिंगटन में US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मीटिंग भी हुई है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आज 77th इन्फेंट्री डे भी है।
तो चलिए इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि जो इन्फेंट्री डे है वो आखिर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपको तलाश है एक डेडिकेटेड डिफेंस मैगजीन की, तो उसके लिए आप हमारे डिफेंस 360 रिवाइंड को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक ई मैगजीन है जिसमें आपको मंथली बेसिस पर डिफेंस सेक्टर के सारे जरूरी इवेंट्स की जानकारी मिलती है। और ये जो मैगजीन है ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही जगह पर उपलब्ध है, और दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।